लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की पहली रैली, कहा सोनिया ने वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया। कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति छीनना चाहते हैं। कांग्रेस ने सत्ता के लिए भ्रष्टाचारी को गले लगाया। इंडिया अलायंस घुसपैठियों के लिए आंसू बहाता है। 370 वापस लाने की बात करता है पीएम का बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया लेकिन आज चार सीट भी लड़ने की ताकत नहीं। दिल्ली में पीएम की रैली में शामिल हुए 25 विदेशी मेहमान, बीजेपी को जाने कैंपेन के तहत लिया हिस्सा। रैली वाली जगह पर पीएम मोदी ने पाकिस्तानी रिफ्यूजियों से की मुलाकात। हाल ही में सभी को सीएए के तहत दी गई है नागरिकता। हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी की रैली, का हरियाणा मतलब धाकड़। मोदी ने भी 10 साल धाकड़ सरकार चलाई। पाकिस्तान के हाथ में आज बम के गोले की जगह भी का कटोरा है। भारत में जब धाकड़ सरकार होती तो ऐसा ही होता है, पीएम मोदी का बयान। यूपी के ललितपुर में बोले अमित शाह, बिजली पूरे प्रदेश में 20 से 24 घंटे मिल रही है, पहले सिर्फ ईद और रमजान में मिलती थी। अमेठी में अमित शाह ने किया रोड शो, कैंडिडेट स्मृति ईरानी के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी के टकाटक वाले बयान पर बोले अमित शाह, उनको कंप्यूटर का गेम लगता है। अमित शाह ने अखिलेश यादव को जवाब दिया, जुमले देना आसान है। अखिलेश ने कहा था सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी, वो आरक्षण पर झूठ फैला रहा है। महाराष्ट्र के धुले में सीएम योगी ने की रैली, का 2014 के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। मोदी सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, पहले देश की सीमाएं असुरक्षित थीं, सीएम योगी का बयान। महाराष्ट्र के पालघर में बोले सीएम योगी, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना दीजिए, अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होते, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर गए हैं, अगले 5 साल में लोग ये भी भूल जाएंगे कोई शोर होता था, सीएम योगी का बयान। पालघर की रैली में बोले सीएम योगी, अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया कहां चुप बैठने वाले। मुंबई में बोले सीएम योगी, देश में हर तरफ 400 पार की गूंज, विपक्षी दल ये सुनकर घबरा जाते हैं। बिहार के सीवान में बोले सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, कांग्रेस अभी भी राम मंदिर के पीछे पड़ी है, क्या रामलला को वापस टेंट में लाने की सोच रही है। मोदी जी को 400 सीटें दे दीजिए, पीओके भारत का हिस्सा होगा, सीएम हिमंता का बयान। बिहार के बक्सर में सीएम हिमंता की भविष्यवाणी, चुनाव के बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने नई दिल्ली में किया रोड शो, बीजेपी की प्रत्याशी बासुरी स्वराज के लिए मांगे वोट। रोड शो में सीएम धामी ने आपको महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली पार्टी बताया, स्वाति मालीवाल प्रकरण का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा दूसरों के इशारे पर बोलने वाला पीएम बनना चाहता है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान, कैसरगंज में माहौल बीजेपी के पक्ष में, जनता चाहती है करण भूषण बने यहां से सांसद। यूपी के शोहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा ने अनुप्रिया पटेल का स्वागत किया। सिद्धार्थनगर से बीजेपी कैंडिडेट जगदम्बिका पाल के समर्थन में रैली करने पहुंची थी। मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल का बयान, जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का दावा, 20 जून को महायुति जीतेगी, अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। ठाणे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मुंबई में कांग्रेस शिव खड़गे ने महायुति सरकार को बताया वैध, कहा विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनी है सरकार। गठबंधन पर बोले खड़गे, हमारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन है, ये लोकतंत्र है, निरंकुशता नहीं। अधीर रंजन चौधरी को खड़गे की दो टूक, अधीर रंजन अकेले फैसला नहीं लेंगे, पार्टी लाइन का विरोध करने वाला पार्टी से बाहर जाएगा। खड़गे के बयान पर बोले अधीर रंजन, ममता से मेरा विरोध नैतिक है, कांग्रेस को खत्म करने वालों से मैं प्यार नहीं करूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता के सपोर्ट वाले बयान पर कहा था वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। मुंबई में कल पीएम मोदी की हुई रैली पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, ये पीएम के तौर पर महाराष्ट्र में उनका आखिरी भाषण था। रायबरेली के मनसा देवी मंदिर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, माता का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में राहुल गांधी ने की चुनावी सभा, का हमारा मकसद है संविधान को बचाना। दिल्ली के नजफगढ़ में सीएम केजरीवाल का रोड शो, आप उम्मीदवार महाबल मिश्रा के लिए मांगे वोट। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, देश में ईडी सीबीआई राज कर रहे हैं, सरकारें गिराना राजनीतिक गुंडागर्दी। राम मंदिर को कोई खतरा नहीं, बीजेपी भ्रम फैला रही, मंदिर कोर्ट के आदेश पर बना, अशोक गहलोत का बयान। पीएम मोदी के राम मंदिर वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। दिग्विजय सिंह बोले रायबरेली जीतेंगे, अमेठी में भी लड़ाई बहुत अच्छी है। पटना में बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इंडिया अलायंस से पीएम कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी इसकी चिंता छोड़ दें। भुवनेश्वर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, ओडिशा के लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ स्कैम का बोलबाला है। यूपी के बलरामपुर में सपा चीफ अखिलेश यादव बोले बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इस बार 140 सीट के लिए भी तरस जाएगी। सपा नेता शिवपाल यादव ने इंडिया अलायंस की सरकार बनने का किया दावा, कहा बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला है। गुड़गांव से कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर बोले मैं राष्ट्रीय नहीं स्थानीय मुद्दों के बारे में सोच रहा हूं।
वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का बयान, 10 साल में बनारस में एक भी कारखाना नहीं लगा, पीएम ने यहाँ कुछ नहीं किया। यूपी के कौशाम्बी में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिमों के आरक्षण पर पीएम मोदी झूठ फैला रहे हैं, हमें पिछड़ों और दलितों के हक को नहीं लेना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा चुनाव आया तो मोदी जी को पीओके याद आया, 10 साल से क्या कर रहे थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, इसका मतलब एनडीए खत्म हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा 10 साल में किसान कंगाल, युवा और छात्र बेहाल, लेकिन बीजेपी मालामाल हुई। बड़गाम में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने किया रोड शो, कहा जम्मू कश्मीर हमारी पहचान है, आज सब कुछ बर्बाद हो गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो भी वादे हुए पूरे नहीं हुए, युवा जॉब्स के लिए इधर उधर भटक रहे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के काफिले में शामिल गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, आईटीबीपी का एक जवान हुआ घायल। बंगाल के वोटर्स को डराने और धमकाने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के बयानों की निंदा की। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी चीफ से 21 मई की शाम 5 बजे तक मांगा जवाब, धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सीएम ममता पर निशाना साधा, का घुसपैठियों को आश्रय दे रही हैं, लोगों के मन में डर पैदा करके वोट ले रही हैं। जेपी नड्डा बोले सीएम ममता सीएए पर लगातार झूठ फैला रही हैं, उनके कामों से ऐसा लग रहा है कि उनका मन अस्थिर। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता बोली पीएम मोदी के अलावा देश का नेतृत्व करने में कोई भी सक्षम नहीं। जेपी नड्डा के बयान पर बोले उद्धव ठाकरे, कल को वो आरएसएस को भी फर्जी बता सकते हैं। सीएम केजरीवाल का आरोप, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, जेल का खेल खेल रही। सीएम केजरीवाल ने जताया अंदेशा, कहा राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालना चाहती है भाजपा। सीएम केजरीवाल का ऐलान, कल बीजेपी के ऑफिस जाएंगे आपके सभी नेता, जिसे जेल में डालना है डाल दें। सीएम केजरीवाल के ऐलान पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, वो ड्रामा बंद करें, स्वाति के साथ मारपीट पर चुप क्यों हैं ये बताएं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा अगर आप किसी महिला को पीटोगे तो सजा मिलेगी ही। स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में आरोपी विभव कुमार अरेस्ट, 30,000 रिपोर्ट में पेशी से पहले हुआ मेडिकल चेकअप। विभव कुमार के पिता का बयान, मेरा बेटा बहुत साधारण आदमी, बीजेपी की सरकार वो जो चाहे कर सकती है। सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्वाति मालीवाल केस पर फिर कुछ नहीं बोले केजरीवाल। स्वाति मालीवाल का नया वीडियो आया सामने, मालीवाल को सीएम हाउस के बाहर लेकर जाते दिखे हैं सुरक्षाकर्मी। नए वीडियो पर आम आदमी पार्टी का सवाल, 13 मई को सही से चलती नजर आ रही हैं मालीवाल, 4 दिन बाद वो लंगड़ा कर कैसे चल रही हैं। सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, चेहरे और पैर पर चोट के निशान का जिक्र। स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस की जांच हुई तेज, सोर्सेज के मुताबिक सीएम आवास से पुलिस और एफएसएल की टीम ने सीसीटीवी कैमराज जंप लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्वाति मालीवाल ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई, स्वाति ने पुलिस को धमकाया है। मंत्री आतिशी का दावा, सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी नहीं हुई, वीडियो में सामान्य दिख रही हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मालीवाल के संपर्क में हैं, ये बात जेपी नड्डा भी जानते हैं। आप नेता जैस्मिन शाह का आरोप, बीजेपी के दबाव में स्वाति ने घटिया हरकत की है, निष्पक्ष जांच होने पर सत्य बाहर आएगा। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, केजरीवाल देश की जनता के सामने बेनकाब हो गए। जेपी नड्डा की दो टूक, मैंने या मेरी पार्टी के किसी नेता ने मालीवाल से नहीं किया संपर्क। रविशंकर प्रसाद का बयान, आम आदमी पार्टी बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रही है। शहजाद पूनावाला ने आप पर निशाना साधा, कहा अपने ही सांसद को गद्दार कह रही है, पहले चीरहरण हुआ और अब चरित्र हरण कर रहे। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, सीएम केजरीवाल का निवास बना महिला उत्पीड़न का टॉर्चर केंद्र। असम के सीएम हेमंता की मांग, स्वाति से मारपीट में केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। विभव कुमार, केजरीवाल के इशारे पर काम करते हैं आप, में ब्लैकमेलिंग होती है, शाजिया अलमी का बयान। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला, 20 मई को राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। हापुड़ में जिला अस्पताल में नाबालिगों का मरीजों को दवाई देते हुए वीडियो वायरल, सीएमओ ने मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा पर की बैठक, अधिकारियों से ली जानकारी। चार धाम यात्रा पर बोले सीएम धामी, कहा हर दिन हो रही है यात्रा की समीक्षा। नोएडा पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद दो लुटेरे गिरफ्तार। गाजियाबाद में 50,000 के इनामी को मुठभेड़ में लगी गोली, हत्या के मामले में फरार था। कानपुर में मारपीट के बाद पति ने पत्नी को छत से धक्का दिया, महिला की मौत हुई। कानपुर में गिरी निर्माणाधीन दीवार, कई मजदूरों के घायल होने की खबर। अमरोहा में बस और डंपर की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी। बंगाल के वर्धमान में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के नूह में बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत। एमपी के सीहोर में मंदिर में लगी भीषण आग, कई दुकान जलकर खाक हुई। असम के करीमगंज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 184 ग्राम हेरोइन के साथ 1600 बोतल सिरप बरामद। असम के सिलचर में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, जान बचाने के लिए चौथे फ्लोर से कूदी युवती। उधमपुर की तवी नदी में डूबे दो युवक, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। तमिलनाडु में लोगों को मिली गर्मी से राहत,
कोविल पट्टी में हुई भारी बारिश।